प्रधानमंत्री जी, मैं अंकिता कुंडू उत्कल विश्वविद्यालय उड़ीसा से हूँ। हमारे यहाँ अनेक हेरिटेज साइट्स और शानदार बीच है। कई बार मेरा मन करता है कि मैं यहाँ के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कुछ करूँ, लेकिन फिर कुछ समझ नहीं आता। आपके राय में हम किस तरह से एजुकेशन को टूरिज्म के साथ जोड़कर उड़ीसा के लिए कुछ कर सकते हैं? धन्यवाद। माननीय, एक तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपकी शिक्षा का एक प्रभाव जो मैं देख रहा हूँ आप में, कि आप उड़ीसा की ताकत को जानती है और आप उसको कैसे उपयोग किया जाए इस पर सोच रही हैं। मेरे सामने मैं देख रहा हूँ पंखे चल रहे हैं, श्रीनगर वालों को अचरज होता होगा। ये बात सही है कि हमारे देश में टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है, लेकिन हमने टूरिज्म के संबंध में कुछ उदासीनता बरती। टूरिज्म की एक पहली शर्त होती है कि आपको अपने चीजों पर गर्व करना सीखना पड़ता है। अगर हमारी आदत हो जाए हमारा तो सब बेकार है, नहीं नहीं वो कुछ नहीं है, नहीं नहीं वो तो ठीक है, तो अगर हम ही हम नहीं देखेंगे, उसका गर्व नहीं करें, तो दुनिया क्यों आएगी भाई? आपने देखा दुनिया में जहां भी टूरिज्म बढ़ा है, एक छोटा सा खंभा भी होगा तो गाइड लेकर के ले जाएगा और ऐसी ऐसी उसकी कथा सुनाएगा, ऐसा गौरवगान करेगा कि हमको लगता है हाँ यही कुछ है। और हम हाँ यहाँ हाँ बना होगा यार, अरे छोड़ो यार सब पैसे बर्बाद करते हैं। देखिए, टूरिज्म दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला अगर इकोनॉमी का कोई सेक्टर है तो टूरिज्म है। ट्रिलियन सब ट्रिलियन डॉलर्स का बिजनेस टूरिज्म का बढ़ रहा है और बढ़ने वाला है। दुनिया को मुझे बराबर यहां, मैं बहुत साल पहले अमेरिकन गवर्नमेंट के निमंत्रण से एक बार यूएस गया था, तो वो आइटनरी पूछते हैं आपकी इंटरेस्ट क्या है, तो मैंने जो लिख करके भेजा, पता नहीं मेरे जैसा कोई आंसर पहले बिला रही होगा, मैंने उनको कहा मुझे गांव में जाके आपके यहाँ खेती की पद्धति क्या है वो देखना है, दूसरा मैंने कहा मुझे बिल्कुल ठेठ गांव की कोई स्कूल है तो वो देखनी है, तीसरा मैंने कहा कि गांव के अंदर जो महल सेक्टर है बिल्कुल गांव का, जहाँ छोटी बस्ती रहती है वो मुझे देखना है, और चौथा मैंने कहा अमेरिका की सबसे पुरातन कोई चीज हो जिसके लिए अमेरिका गर्व करता है वो मुझे देखनी है। तो बाकी जगह पर सब जगह पर मुझे उन्होंने दिखाया, लेकिन जब पुरानी चीज में क्या दिखाया, तो पेंसिलवेनिया में एक घंट है, मुझे ले गए वहां देखने को, एक घंट लटकता था। मैंने कहा कितना पुराना है, बोले ये 400 साल पुराना होगा, बस ये हमारा सबसे पुराना है। अब हमारे यहां किसी गली में जाओ साहब बताएगा ये 2000 साल पुराना है, 3000 साल पुराना, कितनी महान परंपरा हमारे पास है, लेकिन हमने इसका जितना जज्बे के साथ करना चाहिए नहीं किया है। टूरिज्म बहुत रोजी रोटी देता है। अब आप देखिए उड़ीसा इतना रिचनेस है, इतनी रिचनेस है, वहां के बीच देखिए, वहां के स्थापत्य देखिए, कोणार्क देख लीजिए, टेक्नोलॉजी भी की दृष्टि से भी, इंजीनियरिंग की दृष्टि से भी वो एक नयापन है, उसको पता है उस रचनाकार को 2000 साल पुराना है। अब अपने आप में ये बहुत अद्भुत चीजें हैं, हमें टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। ये बात सही है कि पिछले कुछ समय से टूरिज्म बहुत बढ़ा हमारे देश में, पहले करीब 70 लाख टूरिस्ट आते थे, इस वर्ष 1 करोड़ टूरिस्ट आए हैं विदेश के, पहले करीब 18 बिलियन डॉलर ये टूरिस्ट जो आते थे उनसे हमें विदेशी मुद्रा मिलती थी, वो इस बार 27 बिलियन पर पहुंची है, यानी 50% वृद्धि हुई है। तो टूरिस्ट आने लगे हैं, भारत का आकर्षण बढ़ा है, लेकिन स्वच्छता उसमें बहुत बड़ी ताकत देगी, नागरिकों का स्वभाव भी टूरिस्ट को स्वीकार करने वाला बना है। और आप जो विद्यार्थी मेरे साथ पढ़ रहे हैं रूसा से जुड़ने वाले हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ने वाले हैं, मैं मानता हूं उबेर के लाइन पर आप नौजवान एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं टूरिज्म का, उबेर के लाइन पर। कौन परिवार होम स्टे देना चाहते हैं उस पर हो, कोई भी व्यक्ति आप एक ऐसी ऐप बना सकते हैं कि अगर वो भारत में टूरिस्ट के नाते आ सकता है तो अपने घर से निकल करके अपने घर पहुंचने तक आप उबेर की तरह
पूरा एक मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हैं आउटसोर्स करके, क्लाउड सोर्सिंग करके आप दुनिया को जोड़ सकते हैं। और मैं चैलेंज देता हूं आज नौजवानों को कि उबेर की तरह देश भर में कौन होम स्टे देने वाले हैं, आप होम स्टे में हिंदुस्तान में आपको आज जितनी होटलों के कमरे हैं ना, इससे 10 गुना ज्यादा कमरे नए मिल जाएंगे। मैंने अभी बनारस में प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम किया, मैं काशी का एमपी हूं, लोगों से मैंने कहा और मैं हैरान था जी, हजारों की तादाद में लोग आए कि विदेश के मेहमान को हम एक कमरा देंगे हमारे घर में। अब ये धीरे धीरे काशी का होम स्टे का एक बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप हो जाएगा, उनको आदत हो गई। हम भी होम स्टे आज पूरी दुनिया में पॉपुलर है, अगर हम ऐसी उबेर जैसी ऐप बना करके इस बात को, और मैं चाहूंगा मेरे सामने इतने सारे नौजवान हैं टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए नौजवान हैं, आइए आप मैदान में आइए, उबेर से भी आप आगे जाएंगे, ये मैं विश्वास देता हूं आपको।